ये वो जगह है जो बड़े बड़े जहाजों को निगल जाती है। साथ ही ये वो जगह है जहां पर उड़ते आकाश से बड़े बड़े प्लेन गायब हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाओं से भरी इस जगह पर हजारों प्लेन और शिप गायब हो चुके हैं और उनका कोई भी सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। असल में वहां ऐसा क्या है कि वो आकाश में उड़ते प्लेन को भी अपने आगोश में समा लेता है? ऐसा उस जगह पर क्या है जो बड़े बड़े जहाजों को भी अपने आगोश में समा लेता है और उसका कोई सबूत हमें दिखाई नहीं देता है? डरावनी, अजीब, रहस्यमयी इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। समुद्र में एक साफ मौसम में एक जहाज में सवार होकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना कितना मजेदार होता है ना वो पल। अब मान लीजिए आप समुद्र में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं, मौसम एकदम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कहीं भी कोई बादल नजर नहीं आ रहा है, आपका रेडियो सही तरीके से काम कर रहा है, आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है, आप बैठे बैठे शानदार म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान काले काले बादलों से भर जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी तक शांत समुद्र की लहरें तूफानी रूप ले लेती है और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। अभी तक ठीक तरीके से काम कर रहा आपका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और आपका कंपास किसी भी दिशा को दिखाना बंद कर देता है, वो लगातार घूमने लगता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लीजिए आप बरमूडा ट्रायंगल में हैं। अभी तक की प्रचलित कहानियां हम उन्हें कहानियां नहीं कह सकते क्योंकि ये वे घटनाएं हैं जिसमें कई बड़े बड़े जहाज खत्म हो गए, जो हजारों की संख्या में एरोप्लेन कभी वापस नहीं आए। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों की माने तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बहुत ज्यादा है।